तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है और कंप्यूटर मेमोरी कहते किसे है और ये कितने प्रकार की होती है और आपके एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में यानी कि पिछले क्लास में बता दिया था सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे कंप्यूटर मेमोरी किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है और इससे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस देख जो मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत ये दो रूप से इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो कंप्यूटर मेमोरी है, कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर में दो तरीके से इस्तेमाल की जाती है, एक प्राइमरी के नाम से इस्तेमाल की जाती है और एक इस्तेमाल की जाती है सेकेंडरी के नाम से। ठीक है, एक प्राइमरी के नाम से इस्तेमाल की जाती है, प्राइमरी मेमोरी के नाम से इस्तेमाल की जाती है और एक नाम क्या नाम है कि सेकेंडरी मेमोरी के नाम से इस्तेमाल की जाती है, सेकेंडरी मेमोरी के नाम से इस्तेमाल की जाती है। प्राइमरी का मतलब कि प्राथमिक मेमोरी कह सकते हैं, प्राथमिक मेमोरी कह सकते हैं और सेकेंडरी का मतलब द्वितीय मेमोरी कह सकते हैं, द्वितीय मेमोरी या दूसरी मेमोरी भी कह सकते हैं और यहाँ पे प्राथमिक का मतलब पहली मेमोरी भी कह सकते हैं। कंप्यूटर में जो मेमोरी इस्तेमाल होती है दो तरीके से इस्तेमाल होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, यानी कि पहली मेमोरी और दूसरी मेमोरी। ठीक, या तो प्राथमिक मेमोरी या द्वितीय मेमोरी। ठीक है, अगर मेमोरी की परिभाषा की बात करें कि मेमोरी कहते किस है, मेमोरी होती क्या है, कंप्यूटर में मेमोरी का इस्तेमाल क्यों होता है, तो देखिए अगर कंप्यूटर में अगर मेमोरी कंप्यूटर में वह होता है जिसमें सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए एक यूनिट की आवश्यकता होती है और वो यूनिट मेमोरी में ही क्या नाम है स्टोर रहती है, जिसका सीपीयू क्या करता है प्रोसेसिंग करता है, तभी उसी का प्रोसेसिंग करके फिर हमें डिस्प्ले पर आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। जो भी कुछ सीपीयू प्रोसेसिंग करता है तो वो जिसमें रहता है वो मेमोरी में ही रहता है, जो चीज़ अगर मेमोरी में नहीं रहती है तो वो आपका प्रोसेसिंग सीपीयू उसका नहीं करता है। मेमोरी अगर सपोर्ट करिए कि एक तरीके से जो सीपीयू होता है, सीपीयू जो होता है इसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कोड भाषा में लोग इसे कहते हैं ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है, मस्तिष्क दिमाग होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ठीक, जिस प्रकार हम लोग के पास दिमाग है, हमारे पास अंदर जो कुछ भरा होगा माइंड में, दिमाग में जो कुछ होगा हम उसी को बता पाएंगे, जो चीज़ नहीं होगा उसके लिए हम लर्निंग करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। लेकिन उसी प्रकार सीपीयू के अंदर जहाँ पे सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए डाटा या फिर यूनिट को दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। और मेमोरी के कारण ही सीपीयू आपके यूनिट यानी कि डाटा के क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। अगर परिभाषा की बात करें कि परिभाषा है क्या, तो कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का वह आंतरिक भंडार है या फिर वह आवश्यक अंग है जिसमें सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए एक यूनिट की आवश्यकता होती है, और वो यूनिट सीपीयू में क्या रहता है, स्टोर रहता है, जिसे सीपीयू प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट देता है। ठीक है, तो ये मेमोरी की क्या है, परिभाषा है, ये मेमोरी की परिभाषा है। कभी कभी आपके एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर के अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में उपयोग की जाने वाली मेमोरी का मेमोरी कौन सी है, सबसे अधिक मात्रा में। ठीक है, तो देखिए जो उपयोग की जाने वाली मेमोरी वैसे तो प्राइमरी है, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की पहली मेमोरी होती है। जैसे आपके पास इंटरनल और एक्सटर्नल होता है, एक आपके पास इंटरनल होता है और एक आपके पास क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। यानी कि इंटरनल मेमोरी वह मेमोरी होती है जो आपके फोन में, मोबाइल में पहले से रहती है, पहले से ही रहती है। ठीक है, उसमें आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक, वह आपका क्या रहेगा, इंटरनल। और जो आपके फोन में क्या नाम है कि बाद में लगाई जाती है, यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी लगाई जाती है जिसे आप चेंजिंग कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, उसे क्या नाम है कि एक्सटर्नल कहते हैं। ठीक, उसी प्रकार कंप्यूटर में प्राइमरी भी होती है, सेकेंडरी भी होती है। तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में कौन कौन सी होती है, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में आपका रोम होता है, रैम होता है, कैश मेमोरी होता है, तीन होते हैं, रोम, रैम और कैश होते हैं। ठीक है, ये तीन होते हैं। तो ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है इनका इस्तेमाल क्या नाम है कि कंप्यूटर्स में क्या है, कंप्यूटर करता है। उसमें भी जो रोम मेमोरी होता है, रोम उसका इस्तेमाल केवल टू केवल कंप्यूटर के लिए होता है, उसमें जो कंपनी पहले से डाटा को भेजी देती है वो उसी का क्या करता है कि रीड करता है, उसी को क्या करता है कि पढ़ता है।
अभी आगे आपको विस्तार से बताते हैं। परिभाषा के तौर पे देखा जाएगा कि प्राइमरी मेमोरी कहते किसे, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और प्राइमरी मेमोरी कहते किसे, इसके प्रकार कितने होते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी चलिए तो अब देखते हैं हम प्राइमरी मेमोरी है क्या, प्राइमरी मेमोरी कहते किसे, प्राइमरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी है क्या, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसमें कौन कौन सी मेमोरी आती है। ठीक है, तो देखिए प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की प्राथमिक या पहली मेमोरी होती है जिसका उपयोग कंप्यूटर्स के लिए किया जाता है, वो प्राइमरी मेमोरी कहलाता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी जो होती है ये कंप्यूटर्स में एक यूज होती है रोम के नाम से, ठीक है, और एक इस्तेमाल होती है रैम के नाम से और एक इस्तेमाल होती है कैश मेमोरी के नाम से, कैश इसको कैसे भी कहते हैं, कैश मेमोरी के नाम से। ठीक है, एक रोम होता है, एक रैम होता है, एक कैश मेमोरी होता है जिसे कैश मेमोरी भी कहते हैं। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी मतलब इसमें केवल टू केवल डाटा को पढ़ने का ही काम किया जाता है रीड ओनली मेमोरी के अंतर्गत, यानी कि रोम के अंतर्गत। ठीक है, रोम के अंतर्गत ये हमारे यूज की नहीं होती, ये सीपीयू यानी कि कंप्यूटर के इस्तेमाल के लिए उपयोग की जाती है, कंप्यूटर के इस्तेमाल के लिए लगाई जाती है। इसे कंपनी क्या करती है, यानी कि जो कंपनी होती है मदरबोर्ड में पहले से ही क्या करती है कि इंस्टॉल कर देती है और उसके अंतर्गत कुछ प्रोग्राम डाल देती है और उसमें जो प्रोग्राम डालती है ये उसी प्रोग्राम को क्या करता है कि रीड करता है। इसे इससे इसमें क्या होता है कि किसी प्रकार की पावर सप्लाई अगर कट जाती है, बंद हो जाती है, तो वो उस डाटा को नष्ट या परिवर्तित नहीं करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। क्योंकि देखिए जो कंपनी इसमें जो चीजें डाल देती है ये उसी को रीड करता है, आपसे कोई मतलब नहीं रहता है। इसमें क्या नाम है कि डाटा जो कंपनी स्टोर करती है वही इसको क्या करता है, रीड करता है। इसलिए इसे क्या नाम है कि इसलिए इसे इसमें जो क्या नाम है कि सॉफ्टवेयर डाला जाता है वो परमानेंट के लिए डाला जाता है, हमेशा के लिए डाला जाता है। ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर इसमें पहले परमानेंट के लिए डाल दिया जाता है वो उसी पर फिर क्या करता है, रीड करता है। इसलिए इसे क्या नाम है कि फर्मवेयर भी कहते हैं, जो इसमें सॉफ्टवेयर रहते हैं, जो इसमें क्या नाम है कि डाटा को डालते हैं उसे क्या कहते हैं, फर्मवेयर कहते हैं। फर्मवेयर का मतलब क्या होता है, स्थिर मतलब अस्थाई रूप से इसमें वो क्या होते हैं कि रहते हैं। और फर्मवेयर का मतलब, फर्म का मतलब क्या होता है, दृढ़ संकल्प होता है, दृढ़ जैसे कि आप कहते हैं ये मेरा दृढ़ संकल्प, यानी कि मेरा संकल्प है कि मैं इस चीज को करूंगा। ठीक है, तो आपका क्या है, उसी तरीके से इसमें आपका ये जो रीड ओनली मेमोरी होता है, ये रीड ओनली मेमोरी के अंतर्गत जो कंपनी पहले से डाटा को डाल देती है वो उसका एक फर्मवेयर होता है, यानी कि फर्मवेयर प्रोग्राम हो जाता है जिसमें क्या नाम है कि रीड रोम जो होता है उसको रीड करता है। ये हमारे हिसाब से नहीं चलता है, हमारे हिसाब से चलता नहीं है। देखिए अगर आपके हिसाब, देखिए अगर इसको एक और तरीके से समझा जाए तो रोम कंप्यूटर सिस्टम में नॉन वोलेटाइल के रूप में क्या होता है कि पाया जाता है, नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थाई, यानी कि यह कंप्यूटर मदरबोर्ड में जब इंस्टॉल कर दिया जाता है तो फिर क्या नाम है कि यह उस डाटा को क्या करता है, रीड करता रहता है, स्थाई होता है, इसको चेंजिंग नहीं किया जा सकता। इसमें पावर सप्लाई बंद होने पर यह किसी प्रकार के डाटा को नष्ट या परिवर्तित नहीं करता है कोई भी, इसको हमेशा सारा चीजें क्या रहता है, याद रहता है। जो भी एक बार इसके अंतर्गत प्रोग्राम दे दिया जाता है वो उस प्रोग्राम को लेकर के चलता रहता है। अब ऐसा नहीं है कि जो आपका रोम है यह केवल आपके कंप्यूटर में ही इस्तेमाल होता है, रोम ऐसे और भी डिजिटल डिवाइस है, डिजिटल उपकरण है जिसमें रोम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे में अगर आपका कहा जाए कि देखिए जो वॉशिंग मशीन आती है, डिजिटल मीटर जो उसमें मल्टीमीटर जो लगा रहता है डिजिटल वाला, उसमें वॉशिंग मशीन में हम अगर 10 नंबर डाल देते हैं कि 10 मिनट में हमारा कपड़ा धुल जाना चाहिए, ठीक है, तो उसमें जो आपका डिजिटल मीटर जो होता है उसमें जो हम नंबरिंग सेट करते हैं उसमें क्या होता है कि रोम है ना, जब हम 10 मिनट सेट कर देते हैं तो अगर वो देखिए उसमें एक चक्कर इधर से चलता है और एक चक्कर इधर से चलता है, तो
अगर इधर से एक चला है, ऐसे दो चला है और यहाँ पे आया तो लाइट अगर कट गई, लाइट अगर बंद हो गई तो ये यहीं पे रुक जाता। अब ऐसा नहीं कि फिर जब लाइट आएगी तो ऑन करेंगे तो ये क्या नाम है कि शुरू से चलने लगेगा, ऐसा नहीं है। इसको तुरंत उस चीज़ को याद आ जाता है, इसकी जो मेमोरी याददाश्त क्षमता होती है ये तुरंत इसको समझ में आ जाता है कि हमने ये दूसरा चक्कर पूरा कर लिया है, हमको फिर से क्या नाम है कि तीसरे चक्कर से शुरू करना है, ठीक है, या फिर ये हमारा दूसरा चक्कर है, हमको यहीं से चलना है, ये चीज़ होता है। तो जो आप यानी कि कहने का मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम में रोम वो होता है जिसमें एक बार डाटा चला जाता है तो वो उसको रीड करता रहता है, पावर सप्लाई से कोई मतलब इसे नहीं रहता, पावर सप्लाई बंद भी हो जाती है तब भी वो उस डाटा को क्या रखता है कि याद करके रखता है। अगर सिंपली अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो रोम कंप्यूटर सिस्टम में नॉन वोलेटाइल के रूप में पाए जाने वाली मेमोरी है जिसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी डाटा को केवल पढ़ने के लिए किया जाता है, पावर सप्लाई बंद होने पर यह डाटा को नष्ट या परिवर्तित नहीं करता है, यह मदरबोर्ड में इंस्टॉल कर दिया जाता है, जो कि क्या नाम है कि मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड के बारे में हम आपको पहले से ही बता दिए, ठीक है, मदरबोर्ड क्या होता है यहाँ हम आपको क्या किए कि पहले से ही बता दिए, ठीक है। इस और अगर क्या नाम है कि जो वॉशिंग मशीन, उसके अलावा जो आपके रिमोट आते हैं, टीवी के रिमोट में आप नंबरिंग देखे होंगे, 0 से 9 तक की नंबरिंग होता है, आप दो टिपते तीन टिपते, मतलब जो नंबर प्रेस करते वही नंबर क्या होता है कि प्रेस होता है, तो वो उसमें भी क्या नाम है कि रोम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें वो चीज़ें बता दी जाती है कि ये आपका 3 है, ये प्रेस करेंगे तो 3 ही दबना है, ये 4 है, प्रेस करेंगे तो 4 ही दबाना है, ठीक है। ये रोम को कंपनी पहले से ही सिखा देती है, पहले से ही उसके अंतर्गत ये प्रोग्राम डाल देती है। ऐसा नहीं कि अगर हम 3 को दबाते हैं तो 6 दबता है, 4 को दबाते हैं तो 8 दबता है, ऐसा कभी नहीं होता उसमें, ठीक है, ये चीज़ है। और उसमें लिमिटेशन भी बता दिया जाता है कि इतने दूर से वो कैच करता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो आपका जो रोम होता है, रोम का मतलब यही होता है, रीड ओनली मेमोरी, ये केवल टू केवल डाटा को पढ़ने का कार्य करता है, केवल टू केवल क्या होता है कि ये रीड ही करता है, ठीक है, ये चीज़ है। और भी आपके रोम में और भी क्या नाम है कि अलग अलग जगहों पे रोम का इस्तेमाल किया जाता है, और जैसे आपके गाड़ियाँ जो आ रही हैं उसमें देखिए जो लगा ड्राइवर के पास जो क्या नाम है कि स्क्रीन होता है जिसमें सीट बेल्ट लगाने के लिए बताया जाता है, और जो इंडिकेटर जैसे ही गाड़ी को टर्न लेते राइट वाला क्या नाम इंडिकेटर की लाइट जल जाती है, ठीक है, तेल जो होता है तेल उसमें बताने लगता है कि आपका तेल कम होने वाला है, मतलब कि सारी चीज़ें क्या होती है कि रोम में फीड कर दी जाती है, ठीक है। जैसे आप देखिए जैसे मुलायम यानी कि जो क्या नाम है कि अखिलेश यादव जो हमें लैपटॉप दिए थे हम लोगों को, ठीक है, जो लैपटॉप को दिया गया था उस लैपटॉप में यानी कि जब उसको ऑन करते थे तो ऑन करने के बाद पहले क्या आता था, पूरे होते वादे। अब पूरे होते वादे यानी कि ये जो प्रोग्राम था वो रोम में डाल दिया गया, यानी कि जैसे ही कंप्यूटर को ऑन करना लैपटॉप को ऑन करना है तो रोम को ये प्रोग्राम बता दिया गया कि पहले तुमको ये पूरे होते वादे को लेकर के आना है, फिर बाद में तब जाकर के विंडोज को स्टार्ट करना है। तब देखिए इसीलिए जब हम उसको ऑन करते हैं तो वो क्या पूरे होते वादे को स्क्रीन पे लेकर के आता था, फिर बाद में विंडोज स्टार्ट करने का ऑप्शन लेके आता था, ये चीज था। बाद में कई लोग इसको मिटाने की भी कोशिश की, अगर इसको मिटाया तो वो स्क्रीन ब्लैक हो गई पूरी तरीके से, ऑन होने पे वो पूरी ब्लैक हो जाती थी, बाद में विंडोज क्या नाम है कि आता था। बहुत लोग इसको मिटाने की कोशिश किए, जिनको आता था वो इरेज कर लिए, क्योंकि देखिए जो रोम होते हैं ये अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होते हैं, रोम अलग अलग, एक आपका होता है पी रोम और एक आपका होता है ई पी रोम और एक आपका होता है डबल ई पी रोम। इसके अलग अलग भाग होते हैं। तो पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें देखिए ये जो रोम होता है जो प्रोग्रामेबल रोम होता है, इसमें क्या होता है कि एक बार डाटा रखा जाता है पूरी तरीके से अस्थाई रूप से रख देंगे, बाद में इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी कि जो पी रोम होता है इसमें एक बार जो डाटा चला जाता है उस डाटा को हम पुनः दोबारा इरेज नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते, वो उस डाटा को लेकर के चलता रहता है, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि आपका
क्या नाम है कि पहले के जमाने, पहले जो नोकिया का फोन चल रहा था, नोकिया फोन को जब स्टार्ट करते थे तो उसमें ऐसे हाथ मिलाता था, तो ये उसके रोम में रहता था, ये उसके रोम में रहता था, रोम को ये पहले से बता दिया गया था, यानी कि इसमें ये पहले से बता दिया गया था कि जैसे इस रेड वाले बटन को लोग लगातार प्रेस करेंगे तो तुमको ये पहले हाथ मिलाना है और नोकिया लिखना है, फिर तुमको डिस्प्ले लेकर के आना है। तो कंपनी, जो कंपनी यानी कि कंपनी वालों ने कहा कि ये जो हम डाटा परमानेंट के लिए इसमें फिट कर दिए, आने वाले अगर समय में हमको इस डाटा को इरेज करना पड़ गया तो हम क्या करेंगे, इरेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इनको क्या हुआ है, दिक्कत होने लगी। तो बाद में फिर क्या हुआ कि इसका अगला जो भाग यानी कि ईपी रोम को बनाया गया। ईपी रोम का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें डाटा को इरेज कर सकते थे लेकिन अल्ट्रा वैलिज रेज की मदद से, यानी कि उससे मिटाया जाता था धीरे धीरे, और मिटाने में काफी समय लगने लगा और समय लगता भी था, मिटाने में समय लगता था। इसलिए क्या नाम है कि लोग क्या नाम है कि अगला जो रोम था डबल ईपी रोम, यानी कि इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें जो डाटा चला जाता उस डाटा को इलेक्ट्रिकल के मदद से इरेज किया जाता था और इरेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी इसमें। इसलिए अब आपके जितने भी सिस्टम में रोम इस्तेमाल होते हैं ये इस तरीके के इस्तेमाल होते हैं कि उसकी स्टार्टिंग वगैरह जो भी हमें जो भी प्रोग्राम देना पड़े, अलग से कोई नया प्रोग्राम हो या फिर हमने कोई नया क्रिएटिंग किया है तो उसमें वो चीजें कंपनी क्या करती है कि डाल देती है। लेकिन इसके ऊपर वाला जो था इसमें जो भी एक बार चला जाता था तो इसमें वो डाटा इरेज नहीं होता था। कहने का मतलब ये है कि जो आपका ये रोम है, ये रोम जो रोम होता है ये कंपनी इसको सिखा करके देती है कि तुमको हमारे हिसाब से चलना है, जिसका कंप्यूटर है उसके हिसाब से नहीं चलना है, ठीक है, जिसका कंप्यूटर है उसके हिसाब से नहीं चलना है। तो इसलिए ये जो एक क्या नाम है कि जो रोम होता है ये केवल टू केवल डाटा को पढ़ने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे आपका देखिए, ये आपको हमने बताया कि रोम क्या होता है, रोम के भाग कितने होते हैं और रोम कंप्यूटर में इस्तेमाल किस लिए होता है, ठीक है, ये चीजें, और रोम के प्रकार कितने होते हैं, ठीक। अब देख लेते हैं रैम क्या होता है। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, 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 ठीक है। रोम, रोम कंप्यूटर, रैम, ठीक है, रैम, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस, रैंडम का मतलब होता है कि कहीं से भी डाटा को पढ़ा जा सकता है, कहीं से भी, यानी कि रैम कंप्यूटर सिस्टम में अस्थाई, अस्थाई का मतलब होता है, अस्थाई का मतलब होता है वोलेटाइल, अस्थाई का मतलब होता है वोलेटाइल, ठीक है, अस्थाई का मतलब होता है वोलेटाइल, और वोलेटाइल मतलब अस्थाई, यानी कि इसमें जो डाटा रहता है वो अस्थाई रहता है। इसमें पढ़ने और लिखने की दोनों प्रक्रिया होती है, पावर सप्लाई बंद होने पर ही, इस पावर सप्लाई बंद होने पर इसमें उपस्थित डेटा जो रहते हैं जिस पे काम होता है वो नष्ट हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, ये क्या होता है, इसलिए ये अस्थाई होता है। क्या होता है, अस्थाई होता है, क्या होता है, अस्थाई होता है, अस्थाई, वोलेटाइल होता है, क्या होता है, वोलेटाइल, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे अधिक मात्रा में इस्तेमाल की जाने वाली प्राइमरी मेमोरी होती है, जो कंप्यूटर सिस्टम में क्या नाम है कि डाटा को ओपन, यानी कि जिस पे हम काम करते हैं, उस जिस पे हम काम करते हैं, ये रोम पे ही हमारा काम होता है। अगर रोम नहीं रहता है आपके कंप्यूटर, सॉरी, रैम नहीं रहता अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में, तो आप कंप्यूटर पे काम नहीं कर पाएंगे, रैम पे ही क्या होता है कि काम किया जाता है, और रैम ही क्या करता है कि डाटा को ओपन करने का काम करता है। बाकी जो आपका होता है तो हार्ड ड्राइव में होता है, हार्ड डिस्क में होता है। जब हार्ड डिस्क में कोई चीज रहता है तो वहां से जब क्लिक करते हैं तो हार्ड डिस्क उठा करके रैम को दे देती है और रैम उसको क्या करती है कि ओपन करने का काम करती है, और रैम जब ओपन करने का काम करता है, जब उस पर हम काम करते हैं तो पावर सप्लाई जब जैसे ही कटता है ये पुनः फिर क्या करता है, हार्ड डिस्क को दे देता है, हार्ड डिस्क को क्या करता है कि दे देता है, और फिर हार्ड डिस्क उसको क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है, ठीक है। तो इसलिए जो रैम जो होता है कंप्यूटर सिस्टम में वोलेटाइल के रूप में क्या होता है कि इस्तेमाल किया जाता है, वोलेटाइल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर परिभाषा की बात करें तो रैम का नाम, रैम कंप्यूटर सिस्टम में एक अस्थाई अवस्था में, अस्थाई रूप में उपयोग की जाने वाली प्राइमरी व सबसे सर्वाधिक
अधिक उपयोग की जाने वाली मेमोरी है जिसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को ओपन करने का काम किया जाता है। यह एक तरीके का स्पेस भी होता है। यह एक तरीके क्या है? स्पेस है, एक तरीके का स्पेस है। आप अपने कंप्यूटर में जितना कैपेसिटी का रैम लगाएंगे उतना अधिक मात्रा में क्या कर सकते हैं, डाटा को उसमें ओपन कर सकते हैं। और जितना कम कैपेसिटी का लगाएंगे और उसमें उतना कम कैपेसिटी का डाटा ओपन कर पाएंगे। आप 2 GB का लगाए तो उतने ही जीबी तक जा सकते हैं, 4 GB का लगाए तो उतने जीबी तक जा सकते हैं, 8 GB का लगाए तो उसके हिसाब से। इसलिए ये अलग अलग भाग में भी आता है। अब कंप्यूटर सिस्टम, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास पेंट है, माइक्रोसॉफ्ट क्या नाम है कि पेंट है, एमएस पेंट है। अब पेंट में हम कोई चीज बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज इसमें बना रहे हैं, कोई भी चीज बना रहे हैं। अब जब ये इसको बना रहे हैं, जब पेंट को ओपन किया तो पेंट तो हार्ड डिस्क में प्रोग्राम में था, ठीक है, हार्ड डिस्क के अंदर था। जब पेंट को ओपन किया तो हार्ड डिस्क उठा करके रैम को दे दिया और रैम क्या किया, रैम इसको ओपन किया और उसमें क्या करना, काम करना शुरू किया, क्योंकि काम जो होता है वो रैम में ही होता है। और जैसे ही अगर ये क्या नाम है कि पावर सप्लाई बंद होता है तो पुनः फिर रैम क्या करता है कि डाटा को वापस हार्ड डिस्क में दे देता है और इसकी मतलब ये बोल देता है कि लाइट ही चली गई है। मतलब लाइट ही चली गई तो क्या करें हम, जब डाटा ही नहीं, लाइट ही चली गई, ऑफ हो गई, तो हम इसको कितना याद, इसकी कितना याद रखें। इसलिए इसकी जो कैपेसिटी होती है मेमोरी, ये याददाश्त मेमोरी जो होती है ये कम होती है, यानी कि किसी चीज को याद नहीं करता है, केवल टू केवल ओपन करने का काम करता है। इस पर हम काम करते हैं, इस पे हम काम कर सकते करते हैं। जो कुछ भी अभी देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम वीडियो क्या नाम है, हम क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और आप हमें देख रहे हैं, या फिर हमारा जो वीडियो आप देख रहे हैं, किसी कारण आपका अगर फोन बंद हो जाता है, फोन अगर बंद हो गया तो ऐसा नहीं कि हमारा वीडियो आप जहां से देख रहे थे वहीं पर स्टॉप रहेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पुनः फिर से क्या करेंगे, YouTube खोलेंगे, फिर उसमें सर्च करेंगे या फिर उसके डाउनलोड हिस्ट्री में जाएंगे, वहां से देखेंगे, ठीक है, ऐसा होता है। अगर आप कंप्यूटर में कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई आपके पास, मान लीजिए कोई भी आपके पास वीडियो है और उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं, तो ये तो वीडियो आपके हार्ड डिस्क में है, किसमें है, हार्ड डिस्क में। लेकिन जब इसको देखना चाहते हैं तो जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो हार्ड डिस्क उठा करके क्या करेगी, रैम को दे देगी, और रैम क्या करेगा, ये रैम क्या कहेगा कि इसको कौन चीज में ओपन करना चाहते हैं, तो ये क्या नाम है कि सॉफ्टवेयर में कौन से सॉफ्टवेयर में ओपन देखना चाहते हैं, तो ये या तो VLC प्लेयर में, या तो MX प्लेयर में, या और भी कोई प्लेयर होता है, ये उसमें ओपन हो जाता है और फिर आप उसको देखते हैं। लेकिन जब पावर सप्लाई बंद हो जाती है तो पुनः ये फिर से क्या होता है कि शुरू हो जाता है, पुनः फिर से उठा करके ये हार्ड डिस्क में दे देता है। अब ऐसा नहीं कि आप टीवी में क्या नाम है कि टीवी में देख रहे हैं क्रिकेट और लाइट कट गई तो दूसरा ओवर चल रहा था, लाइट कट गई आई एक घंटा बाद तो आपको उसी ओवर से दिखाएगा, ऐसा नहीं, वो आपका अगले ओवर से दिखाता है। ये पूरा क्या करता है कि शुरू से प्ले कर देगा, क्या करेगा, शुरू से प्ले कर देता है, ठीक है, ये चीज है। तो अब यहां से देखिए, इसके भी रैम के भी क्या होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं, और रैम में जो आपके अलग अलग भाग होते हैं, यहां से हम आपको दिखाते हैं। रैम में जो पहला आपका होता है डी रैम, ठीक है, उसके बाद होता है यस रैम होता है, उसके बाद DDR1 होता है, उसके बाद DDR2 होता है, उसके बाद DDR3 होता है, और उसके बाद DDR4 होता है, तो हमने आपको क्या बताया, रैम बताया, यानी कि रैम कंप्यूटर सिस्टम में अस्थायी अवस्था में उपयोग की जाने वाली मेमोरी होती है जिसमें पावर सप्लाई बंद होने पर डाटा नष्ट या परिवर्तित हो जाते हैं। इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह एक तरीके का स्पेस होता है जिसपे हम क्या करते हैं कि वर्क करते हैं, काम करते हैं। एक तरीके से देखिए, एक तरीके से जो आपके हार्ड डिस्क है, आपके घर में क्या होता है कि जो पतीली होती है इसमें खाना बनता है, ठीक है, तो अब जो इसमें खाना बनता है वो हार्ड डिस्क का काम करता है, लेकिन खाने के लिए आपको थाली की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार कंप्यूटर सिस्टम में क्या नाम है कि जो हार्ड डिस्क है, एक यानी कि जो HDD हार्ड डिस्क ड्राइव है, एक तरीके का पतीली का काम करता है, उस पात्र का काम करता है जिस पात्र में खाना बनाया जाता है, लेकिन खाने के लिए हमें प्लेट की आवश्यकता, थाली की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार हार्ड डिस्क में जो कुछ रखा जाता है, उसे ओपन करने के लिए, यानी कि बारी बारी से एक एक करके ओपन करने के लिए हमें रैम की आवश्यकता होती है, और रैम पे ही काम होता है। अगर रैम नहीं रहता कंप्यूटर सिस्टम में तो आपका काम नहीं हो पाता है।
किसी कारण। कभी कभी ऐसा होता है कि सीपीयू ऑन करते सीपीयू चलता है, सब में लाइट रहती है, कीबोर्ड माउस सब में लाइट रहती है, लेकिन स्क्रीन पे नहीं आती है। मॉनिटर भी जल रहा है, पावर सप्लाई मॉनिटर का भी सही है, वो भी दिख रहा है, लेकिन उसमें स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका कभी कभी रीजन ये होता है कि रैम को निकाल करके उसको साफ करना पड़ता है इरेजर से, यानी कि रबड़ से साफ करके पुनः फिर से लगा देते हैं। अगर ये प्रॉब्लम रहती है तो वो चालू हो जाता, स्क्रीन वगैरह दिखाने लगती है। अगर ये प्रॉब्लम नहीं रहती है तो हम उसका जो VGA केबल होता है या फिर HDMI केबल होता है उसको सही करते हैं। अगर ये भी प्रॉब्लम अगर नहीं रहती है तो फिर मदरबोर्ड से कोई ना कोई कहता है कि फॉल्ट रहता है, मदरबोर्ड से कोई ना कोई फॉल्ट रहता है। कभी कभी भी आप देखिएगा, जब आपका सीपीयू ऑन हो जाएगा, कीबोर्ड और माउस में लाइट आएगी और आपके स्क्रीन पे नहीं कुछ दिखा रहा है जबकि स्क्रीन में भी लाइट है, तो इसका कारण आप रैम को निकाल करके साफ कर लीजिएगा किसी भी रबड़ से, जो 2-3 रुपये का रबड़ मिलता है उससे साफ करके पुनः फिर से रैम को लगा दीजिएगा और फिर सीपीयू को ऑन करेगा। अगर ये प्रॉब्लम होती है तो वो आपका क्या होता है, ऑन हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है चलते चलते क्या होता है, उस पर धूल कर जो भी आपके रहते हैं बारीकी बारीकी से जितने भी, वो सब क्या होते हैं, जम जाते हैं उसमें, चले जाते हैं, जिसके कारण वो ओपन करने में क्या होता है कि प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि जो काम होता है हमारा रैम पे ही होता है, रैम पे ही होता है। ठीक है, ये चीज है। तो रैम के अलग अलग क्या होते हैं, भाग होते हैं। एक आपका होता है DRAM। DRAM का मतलब होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें डाटा बार बार आता है बार बार जाता है, बार बार आता है बार बार जाता है, DRAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि इस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता भी होती है। ठीक है, बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता भी होती है क्योंकि इसमें बार बार डाटा आता है, बार बार डाटा चला जाता है, और अधिकांश मात्रा में हम DRAM का ही इस्तेमाल करते हैं, DRAM का ही क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और एक आपका क्या होता है, SRAM होता है। SRAM का मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि इसमें एक बार कोई डाटा चला जाता है तो वो उसी डाटा को क्या करता है कि स्टोर करके या मतलब लेकर के चलता रहता है, क्योंकि इसमें हम उस डाटा को रखते हैं जिसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना रहता है, कोई परिवर्तन चेंजिंग नहीं करना रहता है। जैसे घड़ी हो गया, कैलेंडर हो गया, डेट एंड टाइम हो गया, हम एक बार सेव कर देते हैं तो ये उसको लेकर के चलता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता। ऐसा नहीं कि आप सिस्टम बंद करते तो घड़ी वगैरह क्या होती कि चेंज हो जाती, फिर ऑन करते तो फिर घड़ी वगैरह फिर से सेट कर, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो चीजें SRAM के लिए होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद कंपनी ने अलग अलग हिसाब से अपना रैम को रिलीज किया, DDR1 डुअल डाटा रेट 1 और DDR2 डुअल डाटा रेट 2, DDR3 डुअल डाटा रेट 3, DDR4 ड्यूअल डाटा रेट 4। यानी कि अगर इसमें देखा जाए कि सबसे अच्छा कौन है तो सबसे अच्छा क्या नाम है कि आपका वही DDR4 ही होगा। ठीक है, तो ये आपका जो SRAM होता है इसमें इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने कैश मेमोरी का, क्या करते हैं कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी जो होता है कंप्यूटर में रैम के स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, यह CPU और रैम के बीच का भाग होता है। कैश मेमोरी CPU और रैम के बीच का भाग होता है। कंप्यूटर में क्या होता है कि इसका उपयोग रैम के स्पीड को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, ये बार बार उपयोग होने वाले डाटा को कलेक्ट करता है जो इस बार बार उपयोग होता है। जैसे आप कोई भी आता है बार बार क्या करता है, पेंट ओपन करता है, बार बार आकर के पेंट ओपन करेगा तो कैश मेमोरी क्या करेगा, उसे निकाल करके बाहर यानी कि प्रोग्राम में कर देगा, ओपन करो इसको जितना करना है। बार बार आप आल प्रोग्राम में जा करके इसको ओपन करते हो, इसको निकाल करके क्या करेगा, प्रोग्राम में कर देता है। यानी कि कैश मेमोरी रैम और CPU के बीच का भाग होता है, इसे कैश मेमोरी या कैश मेमोरी कहते हैं, जो बार बार उपयोग होने वाले डाटा को अपने अंदर कलेक्ट कर लेता है। जब ये कैश मेमोरी फुल हो जाता है तो इसे क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां से हमने आपको क्या बताया, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी कहते हैं किसे, प्राइमरी मेमोरी के भाग कितने होते हैं, रोम और रैम होते हैं, और कैश होता है। रोम क्या होता है, रोम के भाग कितने होते हैं, रैम क्या होता है, रैम के भाग कितने होते हैं, कैश मेमोरी क्या होती है, इतना हमने आपको बताया। अब हम यहीं से बात कर लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, प्राइमरी मेमोरी से क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखिए, तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि प्राइमरी मेमोरी के कितने भाग होते हैं। तो देखिए, दो आप देखेंगे, रोम होता है, रैम होता है, कैश होता है।
ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि कौन सी मेमोरी कंप्यूटर में अस्थाई रूप में इस्तेमाल की जाती है या नॉन वोलेटाइल के रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो नॉन वोलेटाइल के रूप में इस्तेमाल की जाती है कौन, रोम, कौन इस्तेमाल की जाती है, रोम, ठीक है। फिर यहाँ से पूछेगा कि पी रोम या डबल ईपी रोम या डबल ईपी रोम किस मेमोरी के भाग है, कौन से मेमोरी के प्रकार है, तो रोम के प्रकार है। देखिए वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, अस्थाई और अस्थाई में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जब पूछता अस्थाई तो आप लोग रैम को लगा देते हैं और ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन अस्थाई है। देखिए जो आपका जो कि रैम के, हमने रैम को क्या बताया, हमने वोलेटाइल बताया, क्या बताया है, वोलेटाइल, यानी कि वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थाई और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थाई, अस्थाई, ठीक है, सॉरी अस्थाई और अस्थाई। तो देखिए वी को उल्टा करेंगे, ऐसे वी को उल्टा करेंगे तो ए बनेगा, और रैम में क्या होता है, देखिए ए यहां पे लगा हुआ है, ए यहां पे क्या है ना, तो इससे आप याद रखिएगा कि जो रैम है आपका वोलेटाइल यानी कि अस्थाई है, और रोम क्या है आपका, क्या है, नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद पूछा जाएगा कि कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी सर्वाधिक मात्रा में उपयोग की जाती है जो कि वो प्राइमरी है, तो आपका रैम है, सबसे अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, क्या होता है, सबसे अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि यहां से पूछेगा किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, डी रैम को, किस मेमोरी में परमानेंट के लिए डाटा स्टोर कर दिया जाता है, तो यस रैम में, किस मेमोरी में बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, यस रैम में, ठीक है, और किस मेमोरी में बार बार डाटा आता है चला जाता है, डी रैम में। ऐसे आपसे क्या नाम है कि ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर और भी उसमें पूछा जाता है कि जो कंप्यूटर्स मेमोरी में कौन सी मेमोरी ऐसा होती है जो कंप्यूटर सिस्टम में हम उस पर काम करते हैं, क्या करते हैं, काम करते हैं, आपका रैम होता है, कौन मेमोरी अस्थाई होती है, आपका क्या नाम है कि रोम होता है, कौन अस्थाई होती है, आपका क्या नाम है कि रैम होता है, कौन वोलेटाइल होता है, कौन नॉन वोलेटाइल होता है, कौन सी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है, कौन प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है, ये जो आपके प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रोम और रैम आते हैं, सीपीयू और रैम के बीच में कौन सी मेमोरी काम करती है, तो कैश मेमोरी काम करती है, बार बार उपयोग होने वाला डाटा का इस्तेमाल कौन करता है, कैश मेमोरी करती है, कैश मेमोरी किन दो क्या नाम है, किसके बीच की भाग होती है, तो रैम और सीपीयू के बीच का भाग होती है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने आपको बताया कि प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी के भाग क्या होते हैं, प्राइमरी के अंदर जो भाग होते हैं उसमें भाग क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे सेकेंडरी मेमोरी क्या होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार कितने होते हैं और उनके कार्य क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।